आइए अब फल वृक्षों के लिए गड्ढों के आकार के विषय में जानते हैं। आम, अमरूद, लीची, कटहल, चीकू, आंवला, बेल, खजूर, इमली व जामुन आदि के लिए गड्ढे का आकार 1x1x1 मीटर का होना चाहिए। बेर, शहतूत, लेमन, लाइम, पमेलो, नाशपाती, आड़ू, बुखारा आदि के लिए गड्ढे का आकार 0.75x0.75x0.75 मीटर का होना चाहिए। वहीं केला, पपीता, शरीफा, अनार, फालसा, अंजीर और करौंदा आदि के लिए गड्ढे का आकार 0.5 मीटर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई वाला होना चाहिए। आम के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले बगान में 100 पौधे लगाए जाने चाहिए, जिसमें पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 मीटर रखनी चाहिए। वहीं अमरूद के 1 हेक्टेयर वाले बगान में पौधे से पौधे की बीच की दूरी 7 मीटर एवं पूरे क्षेत्रफल में पौधों की संख्या 204 होनी चाहिए। केले की बौनी किस्मों के लिए 1 हेक्टेयर में 2500 पौधे लगाए जा सकते हैं, जिसमें पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 मीटर रखनी चाहिए। वहीं केले के लंबी किस्मों के लिए 1 हेक्टेयर में 1111 पौधे तक लगाए जा सकते हैं, जिसमें पौधे से पौधे के बीच की दूरी 3 मीटर रखनी चाहिए। अब सिंचाई की अगर बात करें तो जमीन में नमी को देखते हुए कम से कम 7 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि बरसात के मौसम में पौधा लगाने से सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है।